उस पर चर्चा हो रही है। हमारे साथ हमारे दो साथी सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं और हमारे साथ बुशरा खानम जी हमारी कंसल्टिंग एडिटर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और आप तक हम पहुंचा रहे हैं अरविंद केजरीवाल पर फैसले की घड़ी और इस फैसले में जस्टिस स्वर्णकांता क्या कुछ बोल रही हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें यहां रखी जा रही हैं और जैसी उम्मीद थी कि हाईकोर्ट से शायद अरविंद केजरीवाल को के पक्ष में यह फैसला न जाए, लेकिन अभी शायद इसलिए क्वेश्चन मार्क के साथ लगा रहा हूं क्योंकि कई बार फैसला जो है, क्योंकि इनका जो फैसला आ रहा है वो अलग अलग ढंग से आ रहा है। कह रही हैं स्वर्णकांता कि हमें संवैधानिक नैतिकता की चिंता है, राजनीतिक नैतिकता की चिंता नहीं है, संवैधानिक नैतिकता की चिंता है। यहां संविधान की बात कर रही हैं। जजेज जो हैं वो नियम के साथ बंधे होते हैं, कानून के साथ बंधे होते हैं, कानून के दायरे में हम काम करते हैं। यानी इस फैसले को सुनाने से पहले अपने लिए पूरा का पूरा ग्राउंड तैयार करते हुए जज साहिबा जस्टिस स्वर्णकांता कह रही हैं। जी बुशरा जी, महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, जैसे आप चुनाव का जिक्र कर रहे हैं कि चुनाव से पहले गिरफ्तारी होती है तो ठीक नहीं, जो उनकी दलीलें थी इसको खारिज किया है कोर्ट ने और ये कहा है कि ये पूरा केस केंद्र और केजरीवाल का नहीं है बल्कि ईडी और केजरीवाल, यानी कि जो केजरीवाल और ईडी के बीच की बात है, इसे केंद्र वर्सेस केजरीवाल नहीं बनाना चाहिए, ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है। क्योंकि लगातार ये कहा गया कोर्ट में, चाहे अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से या केजरीवाल ने जब अपनी दलीलें पेश की थी खुद, तब भी उनकी तरफ से ये कहा गया था कि पूरा का पूरा मामला जो है वो राजनीति से प्रेरित है। और यहाँ सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि राजनीति को इसमें ना लाया जाए, कोर्ट जो है वो सबूतों के आधार पर अपना फैसला देता है। मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला है और ये कहा जा रहा है कि ईडी ने सबूतों के आधार पर ही ये पूरा केस जो है वो तैयार किया है। और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि सीएम को कोई विशेषाधिकार नहीं है कि उनसे ये पूछताछ नहीं हो सकती है या उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। कोर्ट का कहना है आदेश में जो ऑर्डर है, जो फैसला सुनाया जा रहा है उसमें, कि हमारे सामने रखी गई फाइलों और सामग्री, जितनी भी चीजें इकट्ठा की गई हैं, उससे पता चलता है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कानून के आदेश का पालन किया गया था। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा कानून के आदेश का पालन किया गया था। जितनी फाइलें हैं उस आधार पर ट्रायल कोर्ट का आदेश दो लाइन का आदेश नहीं है। ईडी के पास मौजूद बयान, हवाला डीलरों के साथ साथ गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के भी हैं, ये सब कुछ यहां लिखा जा रहा है। ईडी पर्याप्त सामग्री पेश करने में सक्षम था, हमने बयान का अध्ययन किया है जो पूरी कहानी को पूरा करता है और दिखाता है कि पैसा गोवा चुनाव के लिए भेजा गया था। यह सब यहां कोर्ट का कहना है। दोस्तों आप जानते हैं गोवा चुनाव, ईडी ने जो गिरफ्तार किया है अरविंद केजरीवाल को, उसने कहा है कि अरविंद केजरीवाल के पास से तो पैसा नहीं मिला लेकिन उनके पास पैसा आया था और उस पैसे को इन लोगों ने गोवा के चुनाव में खर्च कर दिया, इसलिए हमारे पास हम पैसा यहां पर रिकवर नहीं कर पाए हैं। और यही बात यहां जस्टिस स्वर्णकांता कह रही हैं कि यहां जो सामग्री, जो भी चीज इकट्ठा की गई है, जितने गवाह, जितने यहां सबूत इकट्ठा किए गए हैं, राहत नहीं मिली है अरविंद केजरीवाल को। जी बुशरा जी, जी अरविंद केजरीवाल की याचिका हाईकोर्ट से खारिज हो गई है और केजरीवाल को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल पाई है। तो इस वक्त की ये अहम और बड़ी खबर ये है कि केजरीवाल को हाईकोर्ट से किसी तरह की कोई राहत नहीं मिली है और याचिका स्वर्णकांता के खारिज कर दिए। जस्टिस स्वर्णकांता जो बात कह रही थी, अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली राहत, अरविंद केजरीवाल की याचिका जैसा माना जा रहा था कि हाई कोर्ट से खारिज हो जाएगी, याचिका उनकी खारिज हो गई है। ईडी पर्याप्त सामग्री पेश करने में सक्षम था, ईडी ने सारी सामग्री पेश कर दी है, यह कहना है, हमने बयान का अध्ययन किया है। लेकिन एक बात यहां माननी पड़ेगी अमलेंदु उपाध्याय जी कि फैसला दो लाइन का नहीं है, डिसमिस नहीं कहा गया है, फैसले में कुछ बातें लिख दी गई हैं अरविंद अमलेंदु जी। जी जी, और बहुत सारी ग्राउंड तैयार कर दी गई है। मुझे लगता है कि अब इस फैसले के खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा तो वहां आप अरविंद केजरीवाल के वकील साहिबान जो और ज्यादा तैयारी के साथ जाएंगे कि बहुत सी चीजें इसमें आ गई हैं कि क्या क्या जो है ईडी ने कहा और क्या क्या संज्ञान लिया गया, अब इसमें लेकर के जाया जाएगा। महत्वपूर्ण बात राजीव जी ये कि यहाँ जो सारी बातें कही गई हैं, ईडी की सारी बातें मतलब एक तरीके से स्वीकार की हैं माननीय उच्च न्यायालय ने,
और अरविंद केजरीवाल का पक्ष या कुछ भी स्वीकार नहीं किया है, बल्कि ये कहा है कि चूंकि आम आदमी जो है उसको और मुख्यमंत्री के लिए अलग अलग कानून नहीं हो सकते। लेकिन जो सब चीज़ें आई हैं तो ईडी ने जो तर्क रखे हैं राजीव जी, और वो अब खैर अब ये सुप्रीम कोर्ट में जब जाएगा तो मामला वहाँ जी बिल्कुल 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 जरा ये ब्रेकिंग आप तक पहुंचा रहे हैं दोस्तों, केजरीवाल को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लग गया। यहाँ पे केजरीवाल को नहीं मिली राहत, अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली। अरविंद केजरीवाल ने जमानत के लिए ये याचिका नहीं लगाई थी, बल्कि याचिका अरविंद केजरीवाल ने लगाई थी कि उनकी गिरफ्तारी जो है वो अवैध है, नाजायज है, और इसलिए याचिका इलीगल है, इसलिए ये याचिका लगाई गई थी। इस याचिका को खारिज करते वक्त कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, फैसले में क्या कुछ लिखा है, जल्दी से आप तक रखना चाहता हूं। कोर्ट ने बहुत सारी बातें शुरुआत से करना शुरू की, आपको पढ़ करके एक एक बातें आप तक पहुंचाना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात कि एक तरफ से अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की टीम और दूसरी तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू मौजूद थे, और उसके बाद जो कुछ हुआ है आदेश अभी तक हम आप तक पहुंचा रहे थे। हमारे साथ जुड़ गए हैं अत्री साहब, हेमंत अत्री जी आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। जजेस के फैसले को आप बहुत नजदीक से देखे हैं, आप खुद भी रह चुके हैं कमिश्नर पब्लिक रिलेशन हरियाणा के, और वहां जजेस के मामले को इतनी नजदीक से आप देखे हैं कि आपसे बेहतर कौन बताएगा। पहली प्रतिक्रिया आपसे जरूर लेना चाहूंगा, मैं फैसला जो फैसले में जो कुछ आया है वो पढ़ के सुनाना चाह रहा था, लेकिन ये बाद में भी पढ़ लेंगे, लेकिन आपकी पहली प्रतिक्रिया इसलिए क्योंकि आप उस नजर से देखेंगे जिस नजर से जजेस देखते हैं। जरा बताइए अत्री साहब कि क्या कुछ है, और क्या ऐसी ही उम्मीद थी आपको भी कि यही कुछ होना है? इसमें जो बेल पिटीशन नहीं थी, ये बेसिकली PMLA का जो सेक्शन है 19 जिसके तहत अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, उस अरेस्ट को ही इलीगल कराने की बात थी कि इस अरेस्ट को ही लीगल घोषित किया जाए, जिसकी एवज में बाय डिफॉल्ट अगर वो अरेस्ट इलीगल घोषित कर दी जाती है हाईकोर्ट के द्वारा तो वो अपने आप ही फिर उनकी ऑटोमेटिक जमानत भी हो जाती। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने इस बात को नहीं माना, और उन्होंने जो इसका बेस बनाया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको ध्यान होगा जब ईडी लगातार 9 या 10 उन्होंने सम्मन दिए और जिस तरीके से केजरीवाल ने उनको अवॉइड किया हर बार, तो वो एक सॉलिड ग्राउंड बन गया ना केवल ईडी को ऑफेंड करने के लिए बल्कि एक जुडिशियल पूरे के पूरे जुडिशियल प्रोसेस को भी ऑफेंड करने के लिए। और कहीं ना कहीं उसका जो संकेत है वो इस ऑर्डर में भी आपने देखा होगा, हाईकोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स है जो जज साहब ने ऑर्डर पढ़े हैं उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि टाइमिंग और सारी चीजें इनका केजरीवाल को भी अंदाजा था जब उनको बार बार सम्मन दिया जा रहा था, और उनको संभवतः यह भी पता था कि लोकसभा के इलेक्शंस आने वाले हैं। तो कभी भी जुडिशरी डायरेक्ट इन्वॉल्व होने की बजाय लॉ पॉइंट्स के ऊपर सारे का सारा आर्ग्यूमेंट अपना बेस करती है। और इस पूरे केस में आप देखिए कि चूंकि अरेस्ट वैलिड है या इनवैलिड है इसके ऊपर बहस थी, तो इमीडिएटली ट्रायल कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है, और इसमें जो एक तरीके से बड़ा झटका एक तरीके से जो कहेंगे आप, हाईकोर्ट ने ईडी की एक बात को और इंगित कर दिया है जो केजरीवाल के लिए बड़ा झटका है। उसमें उन्होंने कहा है कि केजरीवाल के खिलाफ तमाम ऐसे सबूत हैं ईडी ने जो जुटाए हैं जो इस पूरे मामले में उनकी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भागीदारी की तरफ इंडिकेट करते हैं। ये एक तरीके से मेरिट्स पे टिप्पणी होगी अगर आप जुडिशरी की भाषा में आएंगे तो इसको भी और ओवरऑल सारे को अब लेकर के अभिषेक मनु सिंघवी की पूरी टीम को ना केवल इसमें होमवर्क करना होगा बल्कि सुप्रीम कोर्ट में इस केस को नए तरीके से बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक नए तरीके से प्रिपेयर करना होगा और प्लीड करना होगा कि पूरी जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है और क्रोनोलॉजी है वो किस तरीके से इनको ये साबित भी करना पड़ेगा कि साहब जो केजरीवाल ने 9 सम्मन अवॉइड किए, हर बार उन्होंने जवाब भी दिया था उसके बावजूद भी टाइमिंग और वो सारी चीजें, तो ये केस जो है अब चूंकि स्वर्णकांता शर्मा जो जस्टिस थी उन्होंने एक तरीके से इनडायरेक्टली इंडिक्ट किया है कि देर आर सर्टन यू नो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस विच हैव बीन कलेक्टेड बाय द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। और PMLA की सेक्शन 19 को अरेस्ट को जिस तरीके से खारिज किया गया है वो केजरीवाल के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी नई सिरदर्दी पैदा करेगा और सारे केस को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक एक नए पर्सपेक्टिव में उनको प्लीड करना पड़ेगा अगर उनको चुनाव से पहले राहत लेनी है तो। राजीव जी
बहुत बहुत सारी बातें, एक नए सिरे से इस केस को फिर से आगे बढ़ाना होगा, इस पर बहुत सारे होमवर्क करने होंगे और इसके बाद फिर कहीं ना कहीं जाकर। लेकिन इसी बीच अरविंद केजरीवाल की टीम चाहे, उनका जो लीगल पक्ष है, लीगल टीम उनकी जो है वो चाहे तो अरविंद केजरीवाल इस केस में जमानत के लिए याचिका जरूर दायर कर सकते हैं और साथ साथ पैरेलली उनके खिलाफ, वो मुख्यमंत्री पद पर आसीन हैं, उनके खिलाफ एक दो नहीं बल्कि तीसरी याचिका भी अब दायर हुई और कल हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर काफी नाराजगी जताई है। तो बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन उससे पहले जरा जो बातें आप रख रहे थे, हमारे सहयोगी बुशरा जी भी बता रही थी और आप भी हेमंत अत्री साहब बता रहे थे कि आखिर इसमें हुआ क्या क्या है, जरा एक एक करके बिंदुवार जरा उन साथियों के लिए जो बाद में जुड़े हैं, आपके लिए बता दूं कि कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उस फैसले में कोर्ट ने कहा क्या है। कोर्ट ने इस गिरफ्तारी की टाइमिंग पे जो बातें कही हैं, उससे पहले कोर्ट ने गिरफ्तारी को लेकर जो बातें कही, जो आदेश था कि गिरफ्तारी की टाइमिंग पर जो बातें कही गई हैं वो ये कही गई हैं कि ईडी द्वारा एकत्र की गई सारी की गई जो सामग्री है उससे पता चलता है कि श्री अरविंद केजरीवाल ने साजिश रची थी और अपराध की आय के उपयोग और छिपाने में सक्रिय रूप से वो शामिल थे। ईडी के मामले से यह भी पता चलता है कि वो निजी तौर पर आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर भी शामिल थे। वर्तमान मामले में कई बयानों के बीच राघव मंगुटा और शरत रेड्डी के बयान अविश्वसनीय बयान हैं, जो पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के साथ साथ धारा 164 सीआरपीसी के तहत दर्ज किए गए थे। इस अदालत की राय है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसकी गिरफ्तारी और रिमांड की जांच कानून के अनुसार की जानी चाहिए, न कि चुनाव के समय के अनुसार। मुख्यमंत्री सहित किसी के लिए भी कोई विशेषाधिकार नहीं हो सकता। ये सारी बातें यहां कोर्ट ने कही हैं अपने आदेश में। टाइमिंग पर और बात रखते हुए आगे, इस अदालत की राय ये भी है, हमारा मानना यह भी है कि न्यायाधीश कानून से बंधे हैं, राजनीति से नहीं। निर्णय कानूनी सिद्धांतों पर ही दिए जाते हैं, राजनीतिक विचारों पर नहीं दिए जाते। कोर्ट राजनीति के दायरे में नहीं जा सकता। हमें संवैधानिक नैतिकता की चिंता है, राजनीतिक नैतिकता की कतई नहीं। हमारे सामने रखी गई फाइलों और सामग्री से पता चलता है कि ईडी द्वारा कानून के आदेश का पालन किया गया था। ट्रायल कोर्ट का आदेश दो लाइन का आदेश नहीं है। ईडी के पास मौजूद बयान, हवाला, डीलरों के साथ साथ गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के भी हैं। ईडी पर्याप्त सामग्री पेश करने में सक्षम था। हमने बयान का अध्ययन किया है, रिसर्च किया है, जो पूरी कहानी को पूरा करता है और दिखाता है कि पैसा गोवा चुनाव के लिए भेजा गया था। यहां कोर्ट ने साफ साफ माना है कि ये जो पैसा है गोवा चुनाव के लिए ईडी के तमाम साक्ष्यों के आधार पर, और इसके साथ ही हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है आम आदमी पार्टी। ये ब्रेकिंग आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जिसकी चर्चा अभी हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे, वही यहां आप ब्रेकिंग में भी देख रहे हैं कि इस फैसले के खिलाफ तुरंत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है आम आदमी पार्टी, ये खबर भी आ रही है। तो एक बहुत बड़ी खबर अब एक दूसरी दिशा में जाती हुई, हमारे साथ हमारे तीन साथी मौजूद हैं और जो अपनी बात अपने विचार रख रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसी खबर जहां से कहीं ना कहीं पूरे के पूरे इस चुनाव को, जरा एक जल्दी से एक कमेंट भी लेना चाहता हूं, एक बार जल्दी से सुप्रीम कोर्ट, कल ही सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अरविंद केजरीवाल। अत्री साहब एक जल्दी से एक कमेंट लेता हूं, फिर बुशरा जी के पास आऊंगा, बुशरा जी भी अपनी बात अपने विचार के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगी। अत्री साहब, अब यहां से राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ते हुए दिखाई देता है? इंडिया गठबंधन का पार्ट है आम आदमी पार्टी और खुद भी आम आदमी पार्टी में अभी एक उत्साह का संचार हुआ था जैसे ही संजय सिंह बाहर निकल के आए थे, उसके बाद ये क्या इसे एक झटके के रूप में देखा जाए, या आम आदमी पार्टी जिस दिशा में जैसे काम करती हुई दिखाई दे रही है वैसे ही, क्योंकि चुनाव का वक्त है और ऐसे में हाई कोर्ट से तो कम से कम राहत मिलते हुए दिखाई नहीं दे रही है? देखिए, इसमें राजीव जी क्या है कि अब ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, जैसा आपने कहा कि कल इसको सुप्रीम कोर्ट में मेंशन कर दिया जाएगा एज अर्ली एज टुमारो, क्योंकि दे वर ओनली वेटिंग फॉर हाई कोर्ट्स ऑर्डर। अब चूंकि पिटीशन के अंदर वो सारे जो जितना भी उन्होंने लिखा है माननीय जस्टिस ने, उस सारे को मेंशन करते हुए काउंटर आर्गुमेंट्स के साथ
कल सुबह मेंशन कर दिया जाएगा, इसमें कोई वो मत मानिए आप। लेकिन उसमें जो आगे की चीज है कि उसमें जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है उसको पहले तो उसमें डेट फिक्स करेगा कि किस डेट को हम आर्ग्यू करेंगे इस पे, उसके बावजूद बाद नोटिस होगा ईडी को और सारी चीजों को। तो एक मान के चलिए एक बात को, कम से कम 15 दिन के लिए केजरीवाल की रिहाई टल गई है फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, एटलीस्ट 15 डेज इफ नॉट मोर। तो उस सारे में क्या होगा कि केजरीवाल की फिजिकल प्रेजेंस चुनाव कैंपेन में नहीं रहेगी, ये तो फॉरगॉन कंक्लूजन है कि उनको इस दौरान में कोई जमानत मिल सकती है, कोई राहत मिल सकती है, जब तुम सुप्रीम कोर्ट इस पर पूरा आर्ग्यूमेंट नहीं सुन लेता है और कोई फैसला नहीं दे देता है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात जो अब तक की स्थिति थी उसमें एक बेसिक फर्क क्या हुआ है राजीव जी, कि अब संजय सिंह जमानत पर बाहर आए हुए हैं, जो आम आदमी पार्टी की जो फर्स्ट लाइन लीडरशिप थी वो सारी की सारी पहले आपको ध्यान होगा अंदर थी, 21 तारीख को केजरीवाल के अरेस्ट होने के बाद फ्रंट लाइन जो थी आम आदमी पार्टी की वो सारे के सारे अंदर थे, चाहे वो सिसोदिया हो, चाहे संजय सिंह हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे वो जैन हो। अब संजय सिंह के बाहर आने से एक बेर मिनिमम का जो आम आदमी पार्टी को एक बूस्ट ये मिला है कि एटलीस्ट फ्रंट लाइन का कोई एक नेता ऐसा है जो एक्सपीरियंस्ड है, जो एक पूरे देश में नॉन फेस है और जो पार्टी की बात को बाहर आर्टिकुलेट कर सकता है। पॉलिटिकली अगर आप इसको देखेंगे तो पॉलिटिकली इसके बहुत गंभीर मायने हैं। अगर आम आदमी पार्टी जिस तरीके से इस नैरेटिव को लगातार संजय सिंह के बाहर आने के बाद लगातार, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया में ना सही, जो अपना सोशल मीडिया और तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जिस तरीके से केजरीवाल की लड़ाई को लड़ रही है, वो बेशक सड़कों पे आपको ना दिखाई दे लेकिन एक वो साइकोलॉजिकल वारफेयर जरूर है जनता के दिमागों के अंदर, कि चाहे वो दिल्ली की जनता हो, चाहे पंजाब की जनता हो, चाहे जहां जहां आम आदमी पार्टी की जो पार्टी है वो चुनाव लड़ रही है लोकसभा का। तो इस सारे में संजय सिंह के बाहर आने के बाद थोड़ी सी राहत जरूर मिली है, लेकिन केजरीवाल के बाहर आने में अभी निश्चित तौर पर समय लगेगा, ये केस थोड़ा सा लंबा चलेगा। अभी तो नोटिस होना है, पहले तो मेंशन होना है, फिर नोटिस होगा, फिर आर्गुमेंट होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी इंस्टेंट नहीं आ सकता इस तरह के केस में, दे मे टेक ए डे और टू, जैसे यहां पे हाई कोर्ट ने किया 3 तारीख को इसको ऑर्डर को रिजर्व कर लिया था। तो ये सारी कानूनी पेचीदगियां हैं, लेकिन इस सारे में जो आम आदमी पार्टी की राहत केवल इतनी है कि संजय सिंह चूंकि बाहर आ गई है तो पार्टी का एक फ्लैग बीरर है एटलीस्ट मार्केट के अंदर, जो उनकी बात को मजबूती के साथ एज ए फेस ऑफ आम आदमी पार्टी उसको रख सकता है। अभी तक आपके साथ समस्या क्या थी कि सौरभ भारद्वाज और अतिशी बेशक चाहे वो कितने भी बड़े वो हों लेकिन वो पार्टी के मेन स्ट्रीम और फ्रंटलाइन फाइटर्स नहीं। अब संजय सिंह के बाहर आने के बाद कम से कम एक एडवांटेज जरूर मिला है आम आदमी पार्टी को कि वो चीजों को पर्सपेक्टिव में रख के पूरे देश में जाना माना चेहरा है, वो कुछ चीजों को ले जा सकते हैं और एक लड़ाई लड़ती हुई दिखी जा सकती है पूरे देश के स्तर पर भी, और जहां पर आम आदमी पार्टी का जहां पर वो चुनाव लड़ रही है, चाहे वो पंजाब हो, चाहे हरियाणा की एक सीट हो, चाहे दिल्ली की सीट हो, चाहे गुजरात की एक आध सीट है, उस सारे में आम आदमी पार्टी को उतनी राहत जरूर है। बाकी केजरीवाल के लिए निश्चित मानिए आपके अगले कुछ दिन अभी उनको जेल में रहना ही पड़ेगा, कोई विकल्प है नहीं। अरविंद केजरीवाल अगर जमानत पर अगर जमानत के लिए याचिका लगाते तो कुछ फायदा हो सकता था उनको, हेमंत अत्री साहब? सब दोनों ही एक बात है। देखिए एक होता है उसमें उसने क्यों नहीं लगा पाए उसकी भी टेक्निकलिटी समझिए आप। अरविंद केजरीवाल जी को 21 तारीख को रात को गिरफ्तार किया गया था और उन्होंने, अगर आपको ध्यान हो, कितना जबरदस्त तरीके से काम हुआ था, 21 की रात को अरेस्ट किया और 21 को ही सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई थी, आपको ध्यान हो तो, यही 19 पीएमएलए में अरेस्ट को इनवैलिड घोषित करते हुए। सुप्रीम कोर्ट में 22 तारीख को सुबह सुबह फिर मेंशन हुई, फिर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि साहब मैं ट्रायल कोर्ट जा रहा हूं और हम इसको विड्रॉ करते हैं। कारण समझिए क्या है, अरेस्ट होने के बाद जब अरेस्ट हो चुकी है तो आप 19 पीएमएलए में उस अरेस्ट को इनवैलिड घोषित कैसे कराएंगे, क्योंकि वो एक्शन तो ऑलरेडी हो लिया, हो चुका है वो, दैट बिकम्स इनफेक्चुअस इन ए वे। और उसके बाद जो पूरा जुडिशियल प्रोसेस है वो क्या है राजीव जी, वो आपके दर्शकों की उसके लिए बता दूं मैं, कि जब एक बार अरेस्ट हुआ उनको 24 घंटे के अंदर पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया, फिर उनको रिमांड पर दिया गया, तो वो एक जुडिशियल प्रोसेस शुरू हो गया। जुडिशियल प्रोसेस शुरू हो गया तो इन्होंने उस दौरान में अगर ये जमानत की याचिका लगाते तो उस टाइम तो जमानत याचिका बनती ही नहीं थी, क्योंकि वो तो पुलिस रिमांड में थे, ईडी के रिमांड में थे उस टाइम पे, तो वो नहीं बनती थी। इसलिए उन्होंने जो जुडिशियल जो तरीके होते हैं उसमें फिर उन्होंने इस अरेस्ट को ही इनवैलिड घोषित कराने के लिए पिटीशन डाली, जिस प्रोसेस का आज आउटकम आया है कि माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि ये अरेस्ट इनवैलिड नहीं है, ये एज पर द लॉ है। तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। अब सुप्रीम कोर्ट में चूंकि जाएंगे ये लोग, तो ये 19 पीएमएलए में जाने की बजाय कि वो अरेस्ट थी, इलीगल थी, अलीगल थी, उसमें कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। एक मकसद केवल क्या है, अरविंद केजरीवाल को जितना जल्दी हो सके जेल से बाहर लाने का। तो उसमें चूंकि अब वो जुडिशियल कस्टडी में है, ईडी की कस्टडी में नहीं है, तो अब बेस्ट तरीका ये है कि भाई इतने दिन हो गए, पहले भी इनके खिलाफ लगातार केस चल रहा था,
इन दो ही चीजें होती हैं जब आप अरेस्ट करते हैं कि क्या आप गवाहों को प्रभावित करेंगे, एक, दूसरा आप सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेंगे, दो। ये दो नेचुरल पैमाने हैं कोर्ट के सामने जब आप जमानत की बात करते हो। तो अब चूंकि अरविंद केजरीवाल ऑलरेडी तिहाड़ जेल में जा चुके हैं, जुडिशियल कस्टडी में है वो, तो अब जो अभिषेक मनु सिंघवी की जो टीम है उनको पीएमएलए के सेक्शन 19 को चैलेंज करने की जरूरत नहीं है, अब वो सीधा बेल एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं ये कहते हुए कि साहब हम तो बाय डिफॉल्ट बेल के लिए आपके वहां गए थे, उस टाइम वो था और अब हमारी आप बेल के ऊपर पिटीशन सुन लीजिए। तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को उसको सुनने में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मायने दोनों के एक थे, चाहे वो 19 पीएमएलए की अरेस्ट वैलिड का सवाल हो या बेल का सवाल हो, दोनों का डिफॉल्ट मतलब एक ही है अरविंद केजरीवाल को बाहर लाने का। मुझे लगता है कि अब जो सेकंड पार्ट है कि जमानत के लिए जाएंगे अभिषेक मनु सिंघवी, जुडिशियल नॉलेज तो यही कहती है, बाकी देखते हैं वो कल क्या मेंशन करते हैं। जी, कल क्या कुछ होगा और सुप्रीम कोर्ट में, चूंकि अब यहां से सुप्रीम कोर्ट का फैसला कर लिया है आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या अब सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका पर बात करेंगे अरविंद केजरीवाल या इसी केस को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ये दोनों एक बड़ा सवाल है। बुशरा जी आगे कंटिन्यू कीजिए, और बहुत सारे सवाल मैं जानता हूं आपके पास भी है हेमंत अत्री साहब से पूछने के लिए, अमलेंदु जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे भी आप बहुत सारे सवाल पूछना चाहती हैं, ओवर टू यू। क्या कुछ है यहां से, क्या कुछ आगे दिखाई देता है बुशरा जी, ये तमाम सवाल मैं जानता हूं कि आप रखी हुई हैं और पूछना चाहती हैं हमारे तमाम पैनलिस्ट साथियों से, प्लीज। जी बिल्कुल, शुक्रिया राजीव जी, और जाहिर सी बात है इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से बड़ा झटका लगा है, ये भी कहा गया है हाईकोर्ट की तरफ से कि खुद आम आदमी पार्टी के जो सदस्य हैं उन्होंने भी कबूला है कि उनको हवाला के जरिए, यानी कि हवाला के जरिए इसमें नहीं कहा गया कि उनको पैसे मिले, और क्योंकि ईडी बार बार ये कह रही है कि सारा पैसा जो है वो हवाला के जरिए इसमें इस्तेमाल किया गया, तो गोवा का इलेक्शन जो है वो पूरा इसमें सेंटर में है और उसी को सेंटर बना के पूरा का पूरा ये केस जो है वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बनाया गया है। महत्वपूर्ण बात आज के केस में ये है कि जिस तरह की दलील अभिषेक मनु सिंघवी ने पेश की थी, बहुत मेहनत से और बहुत दमदार तरीके से उन्होंने पूरा केस पेश किया था और लग रहा था कि शायद केजरीवाल को थोड़ी बहुत राहत मिले, लेकिन यहाँ पर थोड़ी बहुत राहत भी नहीं मिली है, क्योंकि जितनी दलीलें पेश की गई अरविंद केजरीवाल की तरफ से उन तमाम दलीलों को ही पूरी तरीके से खारिज इस पूरे मामले में कर दिया है। और अब यही बात है कि पहले से ही पूरी प्लानिंग यहाँ पर की गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से, जिसमें ये कहा गया है कि जेल का जवाब वोट से, क्योंकि 25 तारीख को दिल्ली में वोट डाले जाने हैं और अभी वक्त है, अभी अगर केजरीवाल को राहत मिलती है सुप्रीम कोर्ट से, अगर वो बाहर आते हैं तो वो इलेक्शन कैंपेन का क्या हिस्सा बन सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है, लेकिन अब पूरा भावनात्मक तरीके से इस पूरे मामले को हैंडल करती हुई नजर आ रही है आम आदमी पार्टी, और उसने कैंपेन लॉन्च किया अपनी कि जेल का जवाब वोट से, यानी कि वो घर घर जाएगी और घर घर जाके अरविंद केजरीवाल का जेल का जो पोस्टर है जिसमें सलाखों के पीछे अरविंद केजरीवाल है वो दिखाकर और लोगों से अब जो है वोट मांगा जाएगा। और यही सवाल मैं हेमंत अत्री जी आपसे मैं पूछना भी चाह रही थी कि जो ये पूरी कैंपेन लॉन्च की गई है जेल का जवाब जो है वोट से, यानी कि आप काम पर नहीं बल्कि भावनात्मक तरीके से अपने वोटर को अपनी तरफ लाने की कोशिश आम आदमी पार्टी की, और उसके साथ साथ संजय सिंह अब जेल से बाहर, ये दोनों चीजें कितना अहम किरदार निभाती हुई नजर आएंगी? क्या आपको लग रहा है कि जेल के अंदर केजरीवाल पहले से ज्यादा मजबूत क्योंकि लोग भावनात्मक तरीके से उनके साथ जुड़ रहे हैं, और इस फैसले के बाद क्या आपको लगता है और मजबूती से आम आदमी पार्टी अपने वोटर्स के पास जाएगी? नहीं, निश्चित तौर पे बुशरा जी, देखिए दो चीजें होती है, एक तो होता है कि व्यवहारिक पक्ष ये है कि आज अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। दिल्ली की जनता के बीच में पहले ही जो खासतौर पर जो लोअर तबका है, जो केजरीवाल के खासतौर पर वोटर है, वो देखिए आप सड़कों पर आए हो या ना आए हो, लेकिन उन्होंने एक रिस्पॉन्स खास तरीके का दिया है जब संजय सिंह रिहा हुए। सड़कों पर हिट करना एक बात है, उनको यह भी पता है आम आदमी पार्टी का जो सेकंड लाइन लीडरशिप है, अब तो संजय सिंह भी बाहर आ गए, कि सड़कों पर बहुत ज्यादा धमाल मचाने से कुछ नहीं होगा, उससे जुडिशरी भी ऑफेंड होगी और पार्टी का नाम भी बदनाम होगा। तो इसलिए उन्होंने एक बेहतर रास्ता ये निकाला है, क्योंकि आप ये देखिए कि आम आदमी पार्टी भी आंदोलन से निकली हुई एक पार्टी है, और वो लफाजी के मामले में और नैरेटिव बिल्डिंग के मामले में बीजेपी से आगे है, कमतर नहीं है कभी भी, चाहे वो टैगलाइंस का मामला हो, चाहे कैचलाइंस का मामला हो, चाहे स्लोगन्स का मामला हो, चाहे सोशल मीडिया के इफेक्टिव यूज का मामला हो, नारे बनाने का मामला हो, किसी भी चीज में वो भारतीय जनता पार्टी से पीछे नहीं। प्रोफेशनली दे आर वेरी वेल इक्विप्ड, दे आर वेरी रिसोर्सफुल,
वो सारे के सारे विजनरी लोग हैं, उसके अंदर प्रोफेशनल लोग हैं आम आदमी पार्टी में। तो ऐसे में उनके लिए तो अगर आप देखेंगे तो केजरीवाल, जहां तक सवाल है केजरीवाल आम आदमी पार्टी के, जहां तक चुनावी उसका सवाल है, एक होता है जेल से बाहर अगर अभी आ जाए उसका परिणाम, और एक चुनाव से, जैसे आपने कहा कि 25 मई को चुनाव है, एक आए केजरीवाल 12 या 14 15 मई को, तो उन दोनों में बड़ा फर्क है। तब वो एक हीरो के तौर पर बाहर आएंगे, और तब तक इस मोमेंटम को बना के रखना संजय सिंह और कंपनी का काम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी की जो लीडरशिप है उन्होंने तय कर लिया है, वो भी सारा जानते हैं, इस देश के जुडिशियल प्रोसेस को भी जानते हैं, कानूनी पेचीदगियों को भी जानते हैं, प्रक्रिया लंबी है, प्रोसेस इटसेल्फ इज ए पनिशमेंट दैट एवरीबॉडी सेज इन दिस कंट्री। तो ऐसे में उनको एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, और वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी उन्होंने पहले से ही तय कर दी, जैसे आपने कहा कि जेल के अंदर और बाहर जो जिस तरीके की जो स्थिति, जो टैगलाइन जिसका आप जिक्र कर रहे थे, तो इस मोमेंटम को बनाए रखना आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। और मुझे लगता है कि इस मामले में वो बहुत प्रोफेशनल लोग हैं, वो इस ना केवल इस मोमेंटम को बनाएंगे बल्कि बीजेपी को दिल्ली के अंदर इस सारे खेल के अंदर मुझे लगता है कि नुकसान हो सकता है अगर केजरीवाल लंबे समय तक अंदर रहते हैं, और आम आदमी पार्टी का ये नैरेटिव कनेक्ट करता है मासेस के साथ, जिसके वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है, जो आपने विधानसभा के चुनाव में भी देखा, दिल्ली के लोकसभा चुनाव के इमीजिएट बाद 6 महीने बाद चुनाव हुआ था, आपने देखा होगा दिल्ली का क्या परिणाम आया, उसके बाद एमसीडी में बीजेपी को जिस तरीके से चारों खाने चित किया। तो जब भी आम आदमी पार्टी बीजेपी के सामने इस तरीके से होती है तो वो उनके ऊपर एडवांटेज होता है। और अब केजरीवाल चूंकि अंदर है और इंडिया अलायंस के अंदर भी आम आदमी पार्टी शामिल है, तो मुझे लगता है इस पूरे खेल में बीजेपी को नुकसान हो सकता है जहां तक लोकसभा चुनाव का सवाल है। जी बिल्कुल, और लग भी रहा है लगातार जिस तरह से जब से अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं, इस पूरे के पूरे कैंपेन ने एक तरह से धार पकड़ी है। और हमने देखा कि लगातार, चाहे रामलीला मैदान में हमने देखा कि जब इंडिया लाइंस की पूरी रैली हुई थी, उसके बाद जिस तरह का एक दिन का उपवास रखा गया था, और उसके बाद जब से संजय सिंह बाहर आए हैं लगातार वो जनता से ही मुखातिब है, प्रेस कॉन्फ्रेंस वो लगातार करते हैं, वो रैली में जब वो छूटे थे तब उन्होंने आम आदमी पार्टी के दफ्तर से जिस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को और देश को संबोधित किया था, वो प्रहार करते हुए लगातार नजर आ रहे हैं और अपनी बातों को जिस धारदार तरीके से और ताकतवर तरीके से वहां पर रख रहे हैं। संजय सिंह के बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी की ताकत जो है वो कहीं ना कहीं दुगनी हो गई है। उम्मीद आम आदमी पार्टी को भी नहीं थी। हेमंत जी, ये भी मैं आपको बताऊं कि हमने जब रामलीला मैदान में जब मौजूद थे और वहां पर कई वहां के जो कार्यकर्ता थे और जो लीडर थे उनसे बात की, वो कहीं ना कहीं उनको अंदरखाने ये पता था कि शायद इतनी जल्दी राहत नहीं मिलेगी अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि संजय सिंह की बात करें तो 6 महीने के बाद उनको राहत मिली और संजय सिंह जो है इस पूरे मामले में उनका नाम सबसे कम बार इस्तेमाल किया गया है और 2 करोड़ की बात सिर्फ उसमें कही गई थी, एक्स ने वाई को दिया, वो स्थापित नहीं हो पाया। और वही दूसरा मनीष सिसोदिया जो कि 14 महीने से ज्यादा से इस मामले में, शराब नीति मामले में, वो जेल में है। और अब अरविंद केजरीवाल, आज जो पूरा, मैं आपसे सवाल ही पूछना चाह रही हूँ कि आज जो ऑर्डर आया है हाई कोर्ट की तरफ से, जिसमें ये कहा गया है कि आपके खुद जो सदस्य हैं उन्होंने भी माना है कि उनको पैसे मिले, जो उनकी उनकी गिरफ्तारी है वो लीगल है, ये कहना कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत मौजूद हैं, ये कहना कि हवाला के जरिए जो है पैसे वो गोवा के इलेक्शन में इस्तेमाल किए गए, इन तमाम बातों को अगर कोर्ट मानती है और अगर कोर्ट ये कहती है कि आप अगर अप्रूवर सरकारी गवाहों पर आप सवाल उठा रहे हैं तो वो आप ईडी पे नहीं बल्कि आप कोर्ट पे सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि कोर्ट ये तय करता है कि कौन सरकारी गवाह बनेगा या फिर नहीं, ये तमाम दलीलें क्या आपको लगता है इस केस को केजरीवाल के खिलाफ क्या इसको मजबूत बनाया है, और क्या और सुप्रीम कोर्ट जाने पर, क्योंकि वो केस का जो संज्ञान लिया जाएगा जो जो कुछ हाईकोर्ट में हुआ है, क्या अब और ज्यादा मुश्किल बढ़ सकती है केजरीवाल की आपको लगता है? नहीं नहीं बिश्रा जी, देखिए न्यायपालिका में और खासतौर पर जो मुकदमेबाजी है इसमें हर दिन एक नया दिन होता है। हाई कोर्ट ने अपने तरीके से कुछ ऑब्जर्वेशंस की, हाई कोर्ट का जो ऑर्डर होता है वो लोअर कोर्ट को तो प्रभावित कर सकता है कि हाई कोर्ट ने यह अपहेल्ड किया, यह अपहेल्ड किया, यह अपहेल्ड किया। सुप्रीम कोर्ट में जब आप जाते हैं तो पूरे के पूरे लॉ की इंटरप्रिटेशन नए सिरे से होती है, तो इसको ये मान लेना कि केजरीवाल को बहुत बड़ा झटका लग गया है ऐसी कोई बात नहीं है, उसको इंटरप्रेट करने का तरीका है। हाई कोर्ट की जो सिंगल बेंच थी, जो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा थी, उनका एक व्यू था, उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशंस दे दी, उसको आप मेरिट पे मानिए ना मानिए कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता जब हायर जुडिशरी का सवाल है। अगर आप यहां से सुप्रीम कोर्ट ना जा रहे होते तो निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट के अंदर इन ऑब्जर्वेशंस का एक इंपैक्ट होता है। लेकिन बुशरा जी, सुप्रीम कोर्ट में जब खासतौर पर लार्जर बेंच में केसेस जाते हैं,
इस केस में डबल बेंच या तीन जजों की बेंच होगी, तो उनका एक अपना व्यू रहता है हाउ दे टेक इट और हाउ अभिषेक मनु सिंह एंड हिज टीम दे प्रेजेंट द ऑल द फैक्ट्स इन ए पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव। वो सारी की सारी चीजें, एक होता है कि हाउ यू रिप्रेजेंट थिंग्स एंड हाउ सामने वाला टेक्स इट। सुप्रीम कोर्ट की जहां तक बात है जुडिशरी की, सुप्रीम कोर्ट में चीजों को होलिस्टिक व्यू में लिया जाता है कानून की दृष्टि से, वहां पर लॉ को इंटरप्रेट करने का भी अधिकार है और कानून की व्याख्या करने का भी अधिकार है। ये एक बेसिक फर्क समझिए आप। अगर हाई कोर्ट के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट में ना जा रहे होते केजरीवाल या आम आदमी पार्टी तो बड़ा झटका है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं तो एक नया अध्याय खुलेगा सारे के सारे तर्कों पे, सारे वितर्कों पर, सारे मेरिट्स पे, सारे सबूतों पे, और जो गवाह हैं उनकी भी, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि सीआरपीसी के 164 के बयान थे, पीएमएलए के भी बयान थे और सारी बातें थी। एक बात तो बड़ी स्पष्ट है ना, देखिए हाई कोर्ट बहुत सारी चीजों से बचता है बुशरा जी, जैसे जज ने अपने उसमें भी कहा कि वी डोंट गेट इनटू पॉलिटिक्स, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है कभी भी इन चीजों से घबराता नहीं है। अगर आपने देखा हो जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का भी केस था, तमाम तरह की कहानियां सुनाने की कोशिश बड़े बड़े वकीलों के द्वारा की गई सरकार की शह पे, ये हो जाएगा साहब, वो हो जाएगा, उन्होंने क्या किया, दे सेड नथिंग डूइंग, पहले आप ये डिटेल्स देखे आइए, आपको ध्यान होगा तीन बार ये हुआ, अपन ने बहस की सारी। तो सुप्रीम कोर्ट का पर्सपेक्टिव एक अलग पर्सपेक्टिव होता है, होलिस्टिक पर्सपेक्टिव होता है और वाइडर पर्सपेक्टिव होता है। आपको ध्यान होगा जब मनीष सिसोदिया की जब उस पर बहस पे बात हो रही थी तो क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि कहां है पैसा दिखाइए, जस्टिस खन्ना की आपको याद होगी ना ऑब्जर्वेशन, मनी ट्रेल कहां है दिखाइए। और उसके बाद जब ऑर्डर आया ऑब्जर्वेशन के बाद तो वो दूसरा आया कि वो उनकी जमानत रिजेक्ट होगी, तो वो सारी चीजें कीपिंग देम अपार्ट। लेकिन यहां से सुप्रीम कोर्ट में जब आप जाएंगे तो यू शुड कंसिडर इट एज ए न्यू डे फॉर अरविंद केजरीवाल, फॉर हिज लीगल टीम, वो किन बातों के ऊपर अपना केस खड़ा करते हैं, किन चीजों पर। हेमंत जी यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम इस पूरे केस को देखते हैं और जिस तरह से अब तक दलीलें जो पेश की गई हैं, जो लोग इसमें आरोपी थे वही लोग इसमें अप्रूवर बन गए, सरकारी गवाह बन गए। 10-10, 11-11 बयानों तक उन्होंने केजरीवाल का नाम नहीं लिया और अचानक से उन्होंने केजरीवाल का नाम लिया। यहाँ पर शरद रेड्डी से लेकर और दूसरा मगुंदर रेड्डी की बात करें तो एक टीडीपी से कैंडिडेट बन गए हैं, यानी कि एनडीए के कैंडिडेट बन गए हैं, और दूसरे आपको पता है कि उन्होंने इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए पैसा दिया है 55 करोड़ के करीब। तो और उसके बाद कोई भी मनी ट्रेल अभी तक सिद्ध नहीं हुई है, ना तो संजय सिंह के घर से कोई पैसा मिला, ना ही मनोज सिसोदिया के घर से कोई पैसा मिला, ना ही अरविंद केजरीवाल के घर से कोई पैसा मिला। सिर्फ इसमें हवाला का ही यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि पैसा हवाला के जरिए गोवा के इलेक्शन में इस्तेमाल किया गया, इसीलिए कोई मनी ट्रेल सिद्ध नहीं हो पा रही है। आप इन सब दलीलों को जब देखते हैं तो कितना मजबूत और कितना कमजोर इस केस को मानते हैं आप? नहीं बुशरा जी, देखिए मैं तो एक बात मानता हूं कि पीएमएलए एक्ट बहुत ही ड्रेकोनियन लॉ है, बहुत ड्रेकोनियन है। इसके अंदर जितनी भी चीजें आप पढ़ती जाएंगी आप स्तब्ध रह जाएंगी। इस तरह के कानून एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी में आमतौर पर नहीं होते। और वो क्यों बनाए जाते हैं कानून? वो डेटरेंट कानून होते हैं, किसी को भी उस बात तरह की चीज सोचने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। जैसे पीएमएलए एक्ट है या टेररिस्ट का एक्ट था, ये तमाम दुनिया भर के एक्ट हिंदुस्तान के अंदर है, ये ड्रेकोनियन लॉ है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें कोई भी पॉलिटिशियन, मुझे आप एक बात है, ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, अगर इसको मेरिट्स पे बात करें तो फिर तो ये बात है कि 55 करोड़ रुपए उन्होंने दिए हैं, उसकी तो ट्रेल भी है। बीजेपी को जो 55 करोड़ रुपया गया है वो किस तरीके से पैसा कहां से आया क्या आया, उसकी चूंकि जांच नहीं हो रही है तो इसलिए बीजेपी शाह है। और यहां पर चूंकि ये केस ऑलरेडी चल रहा है उसमें आम आदमी पार्टी के तमाम नेता अंदर है, इसलिए अरविंद केजरीवाल को भी अंदर दे दिया। लेकिन सवाल यह है कि पीएमएलए एक्ट का जो सेक्शन 45 है, आप कल्पना कर सकते हैं उसमें जमानत कैसे है? आप जज हैं उसमें, आपको दो चीजें सुनिश्चित करनी पड़ेंगी जब आप ऑर्डर पास करेंगे बेल का। पहला तो यह कि इस व्यक्ति के खिलाफ कोई सबूत आपकी दृष्टि में नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग का। कोई भी जज आरंभिक स्टेज पे चार्जशीट से पहले क्या यह कह सकता है? 90 दिन चार्जशीट का टाइम होता है, 90 दिन तो मैं जेल में रह गया ना इस बात पे। और जब आपके सामने फैक्ट्स आए उसके बाद पहला तो ये कि क्या आप कन्विंस्ड हैं कि इस व्यक्ति ने मनी लॉन्ड्रिंग की है, केस पॉइंट नंबर वन। और दूसरा, जब एज ए जज आपको दूसरी चीज और करनी पड़ेगी कि क्या आप इस केस में ये मानती हैं कि इस व्यक्ति ने ये अपराध तो नहीं किया, क्या ये आगे भी नहीं करेगा? मुझे ये बताइए, भविष्य जज को ही जो है वो भविष्य कैसे तय कर सकता है? तो इतना एक तरीके से एक ये वाहियात जिसको कह सकते हैं धारा है सेक्शन 45, उसमें आपको जमानत मिलेगी भी तो कैसे मिलेगी?
तो ये तो जब जिस तरीके से मनी बिल ला करके इस कानून के अंदर बदलाव किया बीजेपी ने, वो तो उस दिन से दिख रहा था। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब उसको एक वैलिडेट भी करा दिया गया, जिन जज साहब ने किया, वो आजकल लोकपाल है देश के, तो पूरे के पूरे जो हालात और सर्कमस्टांसेस हैं वो बड़े अनफॉर्चुनेट हैं। ये जो चीजें होती थी ड्रेकोनियंस ला किसके लिए होते थे, जो बहुत ही शातिर अपराधी, मानेंगे आप इस बात को, आतंकवादी है बड़े बड़े, शातिर अपराधी है, ड्रग कार्टल्स है, वेपन कार्टल्स है। यहां एक पॉलिटिशियंस के हिसाब से जिस तरीके से इन चीजों को यूज किया जा रहा है, वो देखिए आज भारतीय जनता पार्टी है, कल कोई और पार्टी सत्ता में होगी, सत्ता तो किसी की वो नहीं है। तो ये सारी चीजें मेरिट्स पे डिसाइड होनी चाहिए। और मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल से जो सबसे बड़ी भूल हुई इस पूरे खेल में वो ये हुई कि जिस तरीके से उन्होंने ईडी के 9 संबंध जो आए थे उनको अवॉइड किया एक तरीके से, वो आज उनके सामने वो दिक्कत सबसे बड़ी वो आ रही है। अगर वो कहीं शामिल तफ्तीश हो जाते, क्योंकि चुनाव उनको ये अंदाजा था कि शायद चीफ मिनिस्टर होने के कारण ईडी गिरफ्तार नहीं करेगी, और सारी आम आदमी पार्टी भी इस बात से खुश थी कि अब तो आचार संहिता लगी, अब शायद अरेस्ट नहीं करेगी। लेकिन वो दौर चला गया इस देश में, अब ईडी ने जो आचार संहिता है उसके बाद ईडी के सारे काम देख लीजिए आप, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सारे काम देख लीजिए आप, तो उनपे किस तरीके की रोक टोक नहीं है। उसी का खामियाजा मुझे लगता है कि अब आने वाले लंबे समय तक इसको भुगतना पड़ेगा। केजरीवाल का जो जमानत है, रिहाई है, वो इतनी आसान नहीं है जी। ये बिल्कुल, और ये आम आदमी पार्टी को भी इसका अंदाजा था कि इतनी आसान नहीं है, और उनको ये अंदाजा था कि इतनी जल्दी कोर्ट से, इतनी जल्दी तो जेल से बाहर अरविंद केजरीवाल नहीं आएंगे, ये प्रोसेस लंबा खिंचने वाला है। अब सवाल ये है कि 25 मई को दिल्ली में वोटिंग होने जा रही है, क्या उससे पहले कोई राहत मिलती है, क्योंकि अभी वक्त है, क्या इलेक्शन कैंपेन में हम अरविंद केजरीवाल को देख पाएंगे, उनके चेहरे को देख पाएंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब इलेक्शन कैंपेन करेंगे तो जाहिर सी बात है ताकत बहुत बढ़ेगी, ना सिर्फ आम आदमी पार्टी की बल्कि इंडिया गठबंधन की भी, क्योंकि वो उनके साथ है और उनके साथ दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं। और यही मुश्किल है कि जिन 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काबिज है अभी, और अभी की कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी की पार्टी, आम आदमी पार्टी जो है उनका गठबंधन है इंडिया गठबंधन के तहत, तो जाहिर सी बात है कि अब भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है साफ तौर पर कि वो अपना वो पुराना जो 2019 का जो उसका जो 7 सीटें उसने हासिल की थी वो उस पर कायम नहीं रह पाएगी। अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी को भुनाना चाहती है यहाँ पर बीजेपी, और उनको एक तरह से भ्रष्टाचारी बताकर अपने पूरे कैंपेन को लॉन्च करना चाहती है। आपको याद ही होगा लगातार अभी भी नरेंद्र मोदी और तमाम बीजेपी के नेता, खासतौर पर नरेंद्र मोदी की बात होंगी प्रधानमंत्री की, कि अपनी रैलियों से सबसे पहले वो बात करते हैं भ्रष्टाचार के और परिवारवाद की, और सारे भ्रष्टाचारियों को, परिवारवादियों को उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, न सिर्फ शामिल किया है बल्कि सबको टिकट देकर लोकसभा का इलेक्शन लड़वाया जा रहा है। और ऐसे में आप ये ऑडेसिटी देखिए एक पार्टी की कि वो इन तमाम चीजों को बाकायदा तौर पर अपने चुनावी कैंपेन में इस्तेमाल कर रही है। और वहीं अरविंद केजरीवाल जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़कर आंदोलन करके अपनी पार्टी उन्होंने खड़ी की, 2 स्टेट में उन्होंने सरकार बनाई, एक नेशनल पार्टी वो बने, और अब उसी भ्रष्टाचार के आरोप में वो जेल में बंद है, ना सिर्फ वो बल्कि उनके 3 नेता अब तक बंद थे, और संजय सिंह को अभी राहत मिली है। एक और महत्वपूर्ण याचिका जो है वो राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की तरफ से दाखिल की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि उन्हें अपने वकीलों से अतिरिक्त समय दिया जाए मिलने का, यानी कि 5 बार मिलने का उनको समय दिया जाए, अभी तक सिर्फ 2 मुलाकातें हफ्ते में हो सकती है, यानी कि अपने वो वकीलों से ज्यादा राय मशवरा करना चाहते हैं, शायद वो खुद भी केजरीवाल जिस तरह के वो नेता हैं वो अपनी दलीलें उनको पढ़कर बता रहे होंगे, और उनको अपनी तरफ से कि कैसे आगे केस को ले जाना है वो सब उनको शायद राय मशवरा करना होगा, और इसको लेकर भी सुनवाई है, वो भी इस पर भी हमारी नजर है कि क्या कुछ होता है, क्या राहत मिलती है इसमें भी, क्या 2 से 5 दिन होती है अपने वकीलों से अरविंद केजरीवाल की मुलाकात। लेकिन यहाँ पर ये जरूर है कि इस पूरे मामले को अब आम आदमी पार्टी पूरे भावनात्मक तरीके से इसको राजनीतिक तरीके से अपने पाले में लाने की उसने पूरी प्लानिंग जो है वो कर ली है, जिस तरह से जेल का जवाब वोट से ये कैंपेन जो डोर टू डोर उसने लॉन्च की है, जहां पर बाकायदा तौर पर जो पोस्टर बैनर्स हैं उसमें अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे होंगे और इस बिना पर वो वोट मांगेगी, और जाहिर सी बात है कि अब ये देखना होगा कि ये उनकी कैंपेन कितनी मजबूत होती है और कितनी आगे बढ़ती हुई नजर आती है। क्या आपको लगता है हेमंत जी कि जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा भावनात्मक तरीके से लोग उससे कनेक्ट हो पाएंगे, क्योंकि ये बात वो स्थापित करने में कामयाब हो पा रहे हैं कि ये पूरा का पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है। ये अरविंद केजरीवाल लगातार लोगों के मुद्दे उठाते रहे, बिजली फ्री दी उन्होंने, जो महिलाएं हैं उनके लिए
ट्रैवल जो है बसों में, सरकारी बसों में वो फ्री है, पानी का बिल नहीं आता है लोगों का, बहुत सारे इलाज सरकारी अस्पतालों में जो फ्री हो जाते हैं, ये तमाम चीजें जो हैं वो बिल्कुल निचले तबके के जो लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास लोग जो है उनके लिए बहुत मायने रखते हैं। क्या आपको लगता है ये तमाम चीजें बीजेपी के लिए भारी पड़ती हुई नजर आएंगी आने वाले चुनाव में लोकसभा के? देखिए मिश्रा जी, जहां तक लोकसभा चुनाव का सवाल है, एक बेसिक डिफरेंस हम सबको देखना पड़ेगा। पिछली बार जब 2019 के अंदर लोकसभा का चुनाव हुआ था, आपको ध्यान हो, तो आम आदमी पार्टी को कांग्रेस से भी कम वोट मिले थे, करीब करीब 17% वोट मिले थे, कांग्रेस पार्टी को 20% वोट मिले थे, और भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में 50% प्लस वोट मिले थे, अगर आपको ध्यान हो तो। लेकिन उसके 6 महीने बाद जैसे ही दिल्ली विधानसभा का चुनाव आया, आम आदमी पार्टी ने स्वीप कर दिया और बीजेपी को आप 8 सीटों पर ढूंढते रह गए। तो सवाल ये है कि इस बार लोकसभा चुनाव का नैरेटिव क्या बनता है? अगर तो चुनाव इंडिया गठबंधन का पूरा कैंपेन बिल्डअप होता है, मोमेंटम हो बनता है, तो केजरीवाल का अंदर रहना बीजेपी के लिए बहुत ही घातक हो सकता है, ना केवल दिल्ली में बल्कि पंजाब में भी। पंजाब में उनका पहले भी कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, लेकिन दिल्ली में बड़ा झटका उनको लग सकता है। डिपेंड करेगा देश का नैरेटिव किस दिशा में जाता है। अगर आप कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अलायंस की बात करें केवल, और उसका एक वो है कि वो आम आदमी से जेल होता है कि नहीं, क्या वो जो नैरेटिव बनता है और उसमें केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है, क्या वो उसको वैल्यू एड करती है, और क्या उनका बेरोजगारी का, महंगाई का, ये फ्रीबीज का, ये सारे मुद्दे जो हैं, क्या स्वास्थ्य का, शिक्षा का, क्या ये आम आदमी को लोकसभा चुनाव में अट्रैक्ट करते हैं, क्या वो मुख्य धारा का नैरेटिव में, क्योंकि आप देखिए नेशनल मीडिया जो है, जो सो कॉल्ड मीडिया है मुख्य धारा का, उसको तो सुपारी है उसके पास, तो कि उसने तो विपक्ष की सुपारी लेके चल रहा है। तो ऐसे में अल्टरनेट मीडिया के प्रयोग, इफेक्टिव प्रयोग में आपको ध्यान होगा आम आदमी पार्टी शुरू से ही चैंपियन रही है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो एमसीडी का चुनाव हो। अब देखना केवल इतना है कि इस बार लोकसभा का चुनाव में फाइनल नैरेटिव क्या उभर के आता है। पिछली बार पुलवामा ने सारी चीजों को धोखे रख दिया था, आपको ध्यान होगा, सारे का सारा खत्म हो गया था, किसी का कोई मुद्दा ही नहीं बचा था। इस बार अभी तक बीजेपी बैकफुट पे है तमाम कारणों के चलते, तो ये आने वाले कुछ दिनों में तय होगा कि दिशा किस तरफ चलती है। और दिल्ली और पंजाब जहां पर आम आदमी पार्टी मेन स्ट्रेंथ में है, वहां पर चुनाव चूंकि अगले लास्ट फेसेस के अंदर है, तब तक वो मोमेंटम किस दिशा में जाएगा, क्या बिल्डअप होगा, क्या इश्यूज रहेंगे, उन सारों पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। इतना निश्चित मान के चलिए कि आम आदमी पार्टी बीजेपी को उसी के तरफ में घुस के नैरेटिव के मामले में फंसाने में उनसे बड़ी सिद्धहस्त कलाकार है, इसमें कोई धोखा नहीं है। वो हर चीज को मुद्दा बनाने में, उसको भुनाने में बीजेपी से कहीं ज्यादा प्रोफेशनल है, कहीं ज्यादा डेडिकेटेड है, और उनकी टीम जो है वो ज्यादा वेल इक्विप्ड है, जहां तक सोशल मीडिया और अल्टरनेट मीडिया के प्रयोग का सवाल है। जी बिल्कुल, और वो हम देख भी रहे हैं कि लगातार जब से अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं, जब से वो जेल गए हैं, तब से हर एक मिनट में कहूंगी कि आम आदमी पार्टी एक पूरा नैरेटिव बनाने में लगी हुई है और उसमें कामयाब होती हुई नजर आ रही है। लगभग हर रोज हम ये देखते हैं कि सोशल मीडिया एक्स के जरिए या अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए कहा जाता है कि आज ये पर्दाफाश बड़ा होने वाला है, आज वो पर्दाफाश बड़ा होने वाला है, चेहरे अलग अलग होते हैं आम आदमी पार्टी के और उसको लेकर पर्दाफाश जो है वो किया जाता है। हर रोज अलग अलग तरह की कैंपेन जो है वो लॉन्च की जा रही है। आप ये देखिए कि रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की रैली हुई अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उसके विरोध में, फिर उसके बाद संजय सिंह जब रिलीज होते हैं तो हमने देखा कि तब जो है संजय सिंह लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो कर ही रहे हैं लेकिन आम आदमी पार्टी के दफ्तर से एक तरह से वो एक रैली की तरह से वो संबोधित करते हैं लोगों को। उसके बाद हमने देखा कि एक एक दिन का जो है वो उपवास रखा जाता है और उसके साथ साथ लगातार आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो सड़कों पर है, लगातार लोगों से संवाद करने की भी कोशिश है। ये अपने आप को विक्टिम दिखाने में वो कामयाब हो पा रहे हैं कि देखिए राजनीति से प्रेरित है ये पूरा मामला, क्योंकि हम जनता के मुद्दे उठाते हैं इसीलिए हमें इस तरह से राजनीतिक तरीके से फंसाया जा रहा है। और कोई भी भ्रष्टाचार का कोई मामला अभी तक सिद्ध नहीं हो पाया है, कोई मनी ट्रेल सिद्ध नहीं हुआ है, सिर्फ वो लोग जो पहले अपराधी थे फिर वो अप्रूवर बन गए और उसके बाद आप ये केस जो है वो पूरा बनाया गया है और हमारे नेताओं को फंसाया जा रहा है ताकि आम आदमी पार्टी को खत्म किया जा सके, ये पूरी साजिश है।
अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कहा था जब उन्होंने दलीलें पेश की थी 3 अप्रैल को, उन्होंने जब ये इस पूरे केस को सुरक्षित रख लिया गया था और आज इस पर फैसला आया है, तो उन्होंने कहा कि मेरे जो क्लाइंट हैं उनको जलील करने के लिए ये कि पूरा का पूरा जो है वो केस ये दिखाया गया है, उनको जलील करना चाहते हैं और आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। ये तमाम बातें, ये तमाम दलीलें जो है वो पेश की गई थी, लेकिन तमाम दलीलों को हाई कोर्ट में नहीं माना गया और आज इसको आप झटका कह सकते हैं या फिलहाल के लिए आप ये कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है, आम आदमी पार्टी को राहत नहीं मिली है और अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। ये बताया जा रहा है कि कल ही एप्लीकेशन जो है वो मूव की जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, और कब सुप्रीम कोर्ट में उसको लिस्ट किया जाता है और कौन सी बेंच इसको सुनती है ये भी महत्वपूर्ण है। हेमंत जी ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको याद होगा 21 तारीख को जब ईडी ने गिरफ्तार किया था अरविंद केजरीवाल को, उसी रात में ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, उनको लग रहा था शायद सीजेआई की बेंच इस मामले को सुनेगी, लेकिन बेंच नंबर 2 में ये मामला गया। वहां की जो एक जज है उनको लेकर पहले ही विपक्ष बहुत सारे सवाल जो है वो खड़े कर चुका है, उसके बाद वहां से उस एप्लीकेशन को वापस लिया जाता है, फिर उसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया जाता है और वहां से फिर हाई कोर्ट का रुख किया जाता है और अब फिर से सर्कल घूम के फिर से सुप्रीम कोर्ट पर ही जाकर ये टिक जाता है। अब आप इस मामले को पूरा कैसे और कहां बढ़ता हुआ देखते हैं, अगर हम पूरा का पूरा अगर इसका बैकग्राउंड देखें इस पूरे मामले का। देखिए इसमें बुशरा जी बिल्कुल सीधी सी बात है, सुप्रीम कोर्ट में जो भी केस मेंशनिंग होगी वो कल सीजीआई के सामने मेंशन कर दिया जाएगा और अभी जो रोस्टर चल रहा है उसके हिसाब से जो आइडियली वो जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच जो नंबर 2 है उसके पास ये केस जाएगा, उसमें वो इसमें कब उसको लेते हैं आर्ग्यूमेंट के लिए, कब वो कब के लिए नोटिस जारी करते हैं, कब इस पर बहस होती है, कब फिर इस पर ऑर्डर आता है, वो एक लॉन्ग रन प्रोसेस है सच, उसमें 10 से 12 दिन का समय मिनिमम मान के चलिए आप सारे को समअप होने में, चाहे वो मेंशनिंग से लेकर के ऑर्डर आने तक 15 दिन भी लग सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी कोई नजदीक भविष्य में कोई छुट्टियां वुटियां नहीं है, तो ये हो सकता है कि अगले 2-3 हफ्ते के अंदर अंदर ये सारा मामला टेकअप होकर के अपने कंक्लूजन तक आइदर वे दिस वे और दैट वे पहुंच जाए। लेकिन पूरी सूरत हाल जिस तरीके की है उसमें यह है कि अभी तक जो अरविंद केजरीवाल की जो पूरी टीम जिस तरीके से ये केस को लड़ रही है उनको और ज्यादा क्रिस्प होने की जरूरत है, जहां तक अपने तथ्यों की बात है, मेरिट्स की बात है और ओवरऑल पॉलिटिकल सिनेरियो की बात है, उसमें अब वो कितना आर्ग्यू किस इफेक्टिव तरीके से कर पाते हैं, सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस कर पाते हैं, वो सारी चीज देखने की है। आपको ध्यान होगा राहुल गांधी के केस में जज ने क्या कहा था, जज ने ही कहा था जो सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच को हेड कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करना पड़ेगा मुझे कन्विंस करने में कि राहुल गांधी का कन्विक्शन स्टे किया जाए, और फिर वो उसमें सफल हुए और वो कन्विक्शन स्टे हो गया था। इसलिए कह रहा हूं कि जो अभिषेक मनु सिंघवी की टीम है उनको चूंकि पीएमएलए का केस है, सेंसिटिविटी है केस की, पॉलिटिकल सेंसिटिविटी भी है, तो उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्ग्यूमेंट करना पड़ेगा जैसा राजीव राहुल गांधी के केस में उन्होंने जो कन्विक्शन स्टे कराने के लिए किया गया था, उस टाइप की कन्विक्शन उस टाइप की जो आर्ग्यूमेंट है वही इस मामले में इनको राहत दिला पाएगी जी। लेकिन क्या संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, हालांकि ये कहा गया है कि इस केस को आप कोई नजीर नहीं बना सकते हैं, ये ईडी लिखवाने में उस जो फैसला था उसमें वो कामयाब रही और ये कहा गया कोर्ट की तरफ से बाकायदा तौर पर कि ये नजीर नहीं है आगे मामले में, लेकिन फिर भी केस एक ही है, क्या किसी तरह से कोई दलील है, कोई बेस बन सकती है अरविंद केजरीवाल को कोई राहत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि मामला तो एक ही है, हालांकि इसमें दलीलें अलग अलग दी गई हैं और जो जो जिस तरह से मेंशनिंग संजय सिंह की है और जो मेंशनिंग जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की है वो बिल्कुल अलग है। संजय सिंह को किंगपिन नहीं बल्कि लेकिन अरविंद केजरीवाल को किंगपिन इसमें बताया गया है, यानी कि मुख्य साजिशकर्ता, और ये भी कहा गया कि क्योंकि आप पार्टी के संयोजक हैं इसलिए तमाम चीजें जो है वो आपके नजर में थी और तब ये तमाम चीजें हुई हैं, तो यानी कि जिम्मेदारी ज्यादा है और ज्यादा संगीन आरोप यहाँ पर लगाने की कोशिश जो है वो ईडी की तरफ से भी है इस पूरे मामले में केजरीवाल को लेकर। बुशरा जी जुडिशरी के मामले में ना इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि किसके ऊपर क्या एलिगेशन लगाए गए। थोड़ी देर पहले आपने कहा कि मनीष सिसोदिया 13 महीने से अंदर है, भूलिए मत वो 13 महीने से ही अंदर है। कारण क्या है कि उनके ऊपर भी वही धाराएं हैं जो मनीष सिसोदिया इन पे क्या नाम संजय सिंह पे थी और जैन पे भी थी, लेकिन जैन और सिसोदिया अंदर है, केजरीवाल अंदर है, संजय सिंह बाहर है। तो हर एक केस के अंदर हर एक इंडिविजुअल का रोल क्या है, उसकी भूमिका क्या है और किस तरीके से जुडिशरी उसको देखती है बेस्ड अपॉन द क्रोनोलॉजी ऑफ द थिंग्स, उनका जो इंटरकनेक्ट है कवर उनका सारे डॉक्यूमेंट्स का, उसके अंदर जो भी कहानी सुनाई गई है ईडी के द्वारा या जो दस्तावेज लगाए गए हैं, वो हर इंडिविजुअल का रोल अलग अलग होता है।
और उस पर आप आर्ग्यू करते हैं मेरिट्स पे, और उस पर तब जुडिशरी जाके फैसला करती है। तो इसमें संजय सिंह भी नजीर नहीं हो सकते, इसमें सिसोदिया भी नजीर नहीं हो सकते। ये एक नया केस है और नए तरीके से इस पर आर्ग्यू होगा किसकी क्या भूमिका थी। जी बिल्कुल, और जाहिर सी बात है, लेकिन आज जो लग रहा था कि शायद कोई राहत अरविंद केजरीवाल को मिले, वो राहत अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली है, बल्कि उनकी मुश्किलें अभी फिलहाल बढ़ गई हैं। अब लग रहा है कि कम से कम 15 दिन और ये पूरा मामला के क्या फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का, जब वो रुक करते हैं तब इसको बेंच लिस्ट करती है, कब इस पर सुनवाई होती है, कितनी जिरे बहस होती है, किस तरह की दलीलें पेश की जाती हैं और फिर क्या फैसला आता है, इस सब में लग रहा है कि 15 दिन से ज्यादा का वक्त इसमें और लग सकता है, यानी कि 15 दिन और अरविंद केजरीवाल को जेल में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम देखें तो 15 अप्रैल तक जुडिशियल कस्टडी में है अरविंद केजरीवाल, और अरविंद इस पूरे मामले को फिर से राउज एवेन्यू कोर्ट में ही सुना जाएगा। ये दो अलग अलग मामले हैं, ये बताना महत्वपूर्ण है कि हाई कोर्ट में जो सुनवाई हो रही थी, हाई कोर्ट में सुनवाई उनकी गिरफ्तारी इलीगल है इसको लेकर की जा रही थी, ये चैलेंज किया गया था। राउज एवेन्यू कोर्ट में नियमित रूप से जो ईडी अपनी बातों को रख रही है, वो पहले रिमांड, फिर उसके बाद जुडिशियल कस्टडी, फिर जुडिशियल कस्टडी जब खत्म होगी तो फिर से सुनवाई राउज एवेन्यू कोर्ट में ही होगी। तो क्या ये पैरेलली दो अलग अलग मामले चलेंगे हेमंत जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? बिल्कुल सामान्य है। देखिए, जो राउज एवेन्यू कोर्ट है वो ट्रायल कोर्ट है, वहां हर बार हर 14वें दिन पर आपको लाया जाएगा या आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश कर देंगे, और वो आपकी जुडिशियल जो कस्टडी है वो एक्सटेंड होती जाएगी हर बार 14 दिन के लिए, अनलेस एंड अंटिल यू आर गिवन ए रिलीफ फ्रॉम सम हायर कोर्ट, जो अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जो कल मेंशन करने की बात है। अदरवाइज ट्रायल कोर्ट में एक सामान्य प्रोसीडिंग्स जो भी है उन पर कहीं कोई स्टे नहीं है, वो चलता रहेगा, हर बार 14 दिन की कस्टडी बढ़ा दी जाती है, यही सामान्य प्रक्रिया है। जुडिशियल कस्टडी और जो अपने ट्रायल कोर्ट है उसकी प्रोसीडिंग्स अलग है और हायर जुडिशियल की प्रोसीडिंग्स अलग है, दे आर डिफरेंट। जी बिल्कुल, और कोर्ट की तरफ से ये कहा गया, कोर्ट ने कहा कि ईडी की दलील है कि अब तक के सबूत ये बताते हैं कि केजरीवाल संयोजक हैं, गोवा चुनाव में 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए, केजरीवाल के वकील ने इसका विरोध किया और उन्होंने शरद रेड्डी और राघव मुगुंता ने के बयान का जिक्र किया। कोर्ट ने कहा कि सरकारी गवाह बनने का फैसला कोर्ट करती है, ना कि जांच एजेंसी तय करती है, ये एक महत्वपूर्ण बात जो है वो आज कही गई है। अगर सवाल उठता है तो फिर मजिस्ट्रेट के ऊपर सवाल उठता है, हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी के मुताबिक जांच नहीं हो सकती है, कोर्ट को राजनीति से कोई मतलब नहीं है, सीएम के लिए स्पेशल प्रोविजन नहीं हो सकते हैं कि वो सीएम है इसलिए कोई अलग से कोई उनके लिए प्रोविजन हो, कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं दिया जा सकता है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने याचिका में एजेंसी की तरफ से की गई गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाया था और साथ ही ये कहा था कि ये लोकतंत्र, निष्पक्ष चुनाव और समान अवसर सहित संविधान की बुनियादी संरचना का उल्लंघन है, लेकिन इसमें से किसी भी बात को नहीं माना गया। ये भी कोर्ट की तरफ से कहा गया कि ये मामला केंद्र वर्सेस केजरीवाल नहीं है बल्कि ईडी वर्सेस केजरीवाल है, क्योंकि लगातार जो दलीलें पेश की गई, चाहे अभिषेक मनु सिंह भी हो या फिर जब केजरीवाल ने अपनी दलीलें पेश की थी, तब ये कहा गया था ये पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है, केंद्र में जो सत्ता पर काबिज है यानी भारतीय जनता पार्टी सरकार, राजनीति से प्रेरित ये पूरा मामला जो है उसने ये बनाया है, ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है केजरीवाल या उनकी पार्टी या दूसरे राजनीतिक जो अभी कैदी हैं उनके लिए। हेमंत सोरेन को हमें नहीं भूलना चाहिए, वो भी ईडी के ही जरिए, पीएमएलए के जरिए ही वो भी अभी जेल में है, और जाहिर सी बात है कि ईडी और पीएमएलए के जो कानून है उनका इस्तेमाल कैसे राजनीतिक जितने भी जो कैदी हैं उनके लिए किया जा रहा है सबके सामने है, क्योंकि इसमें जमानत मिलना बेहद मुश्किल होता है, जमानत लगभग तभी दी जाती है जब आरोपों से पूरी तरीके से बरी किया जाए ये माना जाता है। संजय सिंह का यहाँ पर एक एग्जाम्पल है लेकिन उसको नजीर के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता है। अब देखना ये होगा कि आम आदमी पार्टी, अभी शायद आम आदमी पार्टी अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही थी और सौरभ भारद्वाज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे इस फैसले के आने के बाद, और अब देखना ये होगा कि उनकी कैंपेन में आगे अब कितनी धार आती है, आगे इस पूरे कैंपेन को वो किस तरह से आगे बढ़ाते हैं ये देखना बेहद महत्वपूर्ण है, और इसमें इंडिया गठबंधन का क्या रोल होता है ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। एक और सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी हेमंत जी कि अभी अगर पूरे इस मामले को देखते हैं क्या आपको लग रहा है कि इंडिया गठबंधन
अरविंद केजरीवाल जेल में भले ही सही, लेकिन इस पूरे मामले को ना सिर्फ आम आदमी पार्टी लेकिन जो इंडिया गठबंधन है वो भी इसको इसको भुनाएगा, अपनी तरफ बुलाएगा, क्योंकि हमने देखा कि तमाम रैलियों से इसका जिक्र बार बार किया जा रहा है कि ईडी सीबीआई आईटी का दुरुपयोग करके जो नेता हैं उनको जेल में भेजा जा रहा है और अकेले मैदान में खड़े होकर नरेंद्र मोदी ये चुनाव लड़ना चाहते हैं और 400 पारों 370 का नारा और जुमला उनकी तरफ से गढ़ा जा रहा है। नहीं, निश्चित तौर पर बुशरा जी, इसको 100% जो इंडिया गठबंधन है वो यूज करेगा। उनके पास देखिए, जहां तक लेवल प्लेइंग फील्ड और चुनाव की बात है, उनके पास दो बड़े इफेक्टिव हथियार हैं। एक, कांग्रेस पार्टी के खातों को सील किया जाना, और दूसरा हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी। तो इस सारे नैरेटिव को वो पॉपुलर नैरेटिव के तौर पर इसको प्रेजेंट करेंगे लोगों के बीच में, जहां भी वो जाएंगे, जहां जिसका यूज होगा। मान लीजिए बिहार में जाते हैं, यूपी में जाते हैं, झारखंड में जाते हैं, तो या इवन छत्तीसगढ़ में जाते हैं, मध्य प्रदेश, जहां जहां आदिवासी बेल्ट है वहां हेमंत सोरेन का जिक्र आएगा ही आएगा, क्योंकि आदिवासी के वो एक चेहरा है। इसी तरीके से जहां जहां केजरीवाल की बेल्ट है वहां पर उसका जिक्र होगा ही होगा। विदाउट कमेंटिंग ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस, भारतीय जनता पार्टी और उसकी एजेंसियां तो लगातार विपक्ष के निशाने पे हैं, और जिस तरीके से इन दोनों को अरेस्ट किया गया वो सारे का सारा चुनाव नैरेटिव में आएगा ही आएगा। तो अब ये देखना है कि उसको कितना इफेक्टिवली, जो अपोजिशन है इंडिया अलायंस, वो उसको कितना इफेक्टिवली लोगों तक ले जा सकता है कि देखिए ये इसमें ईडीवीडी और ये बाकी सारी चीजें तो कहने की बात है, सारा किया धरा ये केंद्र सरकार का है, लोग समझ रहे हैं, केवल उसको लोगों के साथ कनेक्ट करने की बात है। मुझे लगता है कि इस मामले में और कोई सक्षम हो चाहे ना हो, लेकिन आम आदमी पार्टी इस काम की बड़ी माहिर है और वो ये कर पाएंगे। जी बिल्कुल, आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो इस पूरे मामले में नैरेटिव बनाने में, अपने भावनात्मक तरीके से अपने मुद्दे को बनाने में और लोगों के बीच पहुंचने में वो माहिर पार्टी है, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से एक हाथ आगे ही है ये कहा जा सकता है, क्योंकि एक ऐसी पार्टी जो आंदोलन से पार्टी बनी है, उस आंदोलन पर हम कई बार कह चुके हैं कि आप उस पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन आप ये देखें कि जिस पार्टी को उन्होंने सत्ता से बेदखल किया आज उसी के साथ उसका गठबंधन है, और वो दोनों पार्टियां मिलकर या दिल्ली का चुनाव जो है वो लड़ने जा रही है, और नेशनल लेवल पर भी देखें तो जहां कहीं भी इंडिया गठबंधन की रैलियां होंगी वहां तमाम जगहों पर आम आदमी पार्टी के नेता नजर आएंगे। हमने रामलीला मैदान में देखा, सोनिया गांधी से लेकर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, दिल्ली के नेता तमाम वहां पर मौजूद थे, यहां तक कि शीला दीक्षित के जो बेटे हैं संदीप दीक्षित वो भी वहां पर मौजूद थे। आपको याद होगा शीला दीक्षित के ऊपर किस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप खुद अरविंद केजरीवाल ने लगाए थे और एक तरह के अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल उनकी तरफ से किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी वक्त की मसलहत है, वक्त की नजाकत है, कांग्रेस पार्टी की दरिया दिली है, संदीप दीक्षित और इस तरह के नेताओं की दरिया दिली है कि आज वो आम आदमी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, सड़कों पर नजर आ रहे हैं, लगातार इस मामले को लगातार वो उठा रहे हैं। क्या इसका फायदा आम आदमी पार्टी को आने वाले चुनाव में होगा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि वो एक इस तरह की एक भूमिका बनाने में कामयाब हो पा रही है कि हमारे ऊपर एक तरह से जुल्म हो रहा है, हमारी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, हमारे नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, हम जनता के मुद्दे लगातार उठाते रहे, और जिस तरह से हमने ये देखा कि सुनीता केजरीवाल लगातार जनता के बीच वो आई, उसी कुर्सी पर बैठी हुई नजर आई जिस कुर्सी पर अरविंद केजरीवाल बैठे हुए नजर आते थे, और वहां से जो इमोशनल अपील वो करती रही, जेल से अरविंद केजरीवाल का जो एक मैसेज था वो जनता के बीच उन्होंने पहुंचाया, और वो कहीं ना कहीं एक अच्छी एक तरह की भावनात्मक अपील करता हुआ नजर आया। हालांकि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की तस्वीर जो है वो लगाई गई उसको लेकर बीजेपी ने बहुत एतराज इस पर जताया। मैं आपको ये भी बता दूं कि अरविंद केजरीवाल के जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं उनसे भी पूछताछ हुई है। इसके अलावा ईडी न सिर्फ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी बल्कि आपको पता है कि महाराष्ट्र में भी जो महाविकास अघाड़ी के जो कैंडिडेट है उनसे भी वहां पर पूछताछ की गई, वो भी ईडी के दफ्तर गए थे। लगातार आप ये देखिए कि इस पूरे मामले में अलग अलग जो इंडिया गठबंधन के दलों के नेता हैं उनसे पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है, और जेल में जो नेता है वो आपके सामने है। अब ये क्या मुद्दा भावनात्मक तरीके से लोगों को छू पाता है और क्या ये एक ऐसा मुद्दा बन पाता है, क्योंकि इंडिया गठबंधन तो इसको मुद्दा बना रहा है कि लोग इस पर वोट करें, ये एक महत्वपूर्ण बात है। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जी, आपने इस कार्यक्रम का आप हिस्सा बने और आपने अपनी महत्वपूर्ण तमाम बिंदु यहाँ पर रखे, बेहद महत्वपूर्ण बातें आपने तथ्यों के आधार पर रखी हमेशा की तरह, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, और लगातार इस पूरे केस पर हमारी निगाहें रहेंगी, हम आपको ये बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में
कब जाती है आम आदमी पार्टी, बताया जा रहा है कि कल ही वो इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी और वहां से किस बेंच में जाता है और कब ये लिस्ट होता है और फिर इसको लेकर कब इस पर सुनवाई होती है, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन ये जरूर है कि अभी लग नहीं रहा है कि अरविंद केजरीवाल को जल्द ही कोई राहत मिलने वाली है। इस कार्यक्रम में बस इतना ही, नमस्कार।